प्रोग्रेसिव्ह मागासवर्गीय शिक्षण संस्था नागपूर आणि मातोश्री अनुसया बौद्धेश्वर शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुणवत्त विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारोह आयोजित करण्यात आला होता. यात मुख्य अतिथी म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. गडकरी यांच्या हस्ते गुणवत्त विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. इलेक्ट्रिक है पावर जिस पर आज ये ऊर्जा के ऊपर लाइट लगे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, वैसे शिक्षा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है और इसलिए एजुकेशन को हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान. इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इंटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है. मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे पूरे दुनिया में हमारे भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेल रिकॉग्नाइज है और रिस्पेक्ट है उनको. अमेरिका में 10 डॉक्टर ऐसे जो चश्मे से 6 भारतीय हैं. यूके में भी यही स्थिति है और इसलिए हमारा ये प्रयास रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, इन्होंने दलित पीड़ित शोषित समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था. इतना ही नहीं तो सावित्रीबाई फुले ने विशेष रूप से महिला एजुकेशन के लिए अपने जीवन में उन्होंने पूरी तरह समर्पित रूप से काम किया है. मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसका महत्व समझते हुए हम सब लोगों को अगर जीवन में आगे जाएंगे तो बहुत फायदा होता है. मुझे याद आता है क्योंकि मैं सभी विद्यार्थियों के सामने बोल रहा हूँ, 1975 में मैं नील सिटी स्कूल में, महल में जो है उसमें 11th में था और मेरे परिवार में मेरी माता पिता, मेरी बड़ी बहनें, सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं. और उस समय इमरजेंसी लागू हुई और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने स्कूल में ध्यान नहीं दिया और मैं उसी इमरजेंसी में भूमिगत रहकर उसके खिलाफ काम करने लगा. परिणाम यह हुआ कि जब HSC का रिजल्ट आया तो मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 40